बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशास किचन। आज हम बना रहे हैं चिकन शासलिक। इसकी बिल्कुल इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले चिकन लेनी है, चिकन बोनलेस लेनी है, उसको इस तरीके से क्यूब की शक्ल में काटना है। ये हमने 3 पाव के करीब चिकन ली है। अब उसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, 1/2 टीस्पून इसमें विनेगर डाल दें, 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस डाल दें, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, साल्ट और पेस्ट डाल दें इसमें, 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल दें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। चिकन को रखते हैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। अब एक पैन में उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। इसमें 1 टेबल स्पून चॉप की हुई अदरक डाल दें, 1 टेबल स्पून लहसुन डाल दें, वो भी चॉप करके। फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखना है, बस इसको ज्यादा पकाना नहीं, हल्का सा कलर देना है। अब इसमें 1 कप केचप डाल दें, 3 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस डाल दें, 3 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस डाल दें, 1 टेबल स्पून इसमें विनेगर डाल दें, लाल मिर्च पाउडर डाल दें 1 टीस्पून, सॉल्ट डाल दें इसमें 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें चीनी डाल दें। अब इसको पकाएं। एक चिकन क्यूब डाल दें इसमें तोड़कर, 1 कप पानी डाल दें, 1 फ्लेम को मीडियम टू हाई करें और उबाल आने दें। टू टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ले लें और उसमें 3 चम्मच पानी डाल दें। इसका अच्छे तरीके से पेस्ट बनाएं। अब कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दें, इसको मिक्स करें। अब इसको 2 से 3 मिनट कवर करके रखें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको साइड करके रखेंगे। अब 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल लेना है, 2 टेबल स्पून चिकन डाल दें जो हमने अभी मैरिनेट आधा घंटा पहले करके रखी थी। अब चिकन को 5 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि वो बिल्कुल गल जाए। 5 मिनट हो गए, अब चेक कर लेते हैं।
चिकन हमारे घर चुके हुए, अब इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। अब इसमें 1 कप शिमला मिर्च डाल दें इस तरीके से काटकर, 1 कप इसमें टमाटर डाल दें इस तरीके से काटकर, 1 कप इसमें प्याज डाल दें वो भी इसी साइज का। अब इसको 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है, इसको ज्यादा गलाना नहीं है ना ही इसका क्रिस्पीपन खत्म करना है। तरीके से इसको पकाएं। अब इसी चिकन में हमने जो ये सॉस बनाई थी वो डाल दें। अब इसको अच्छे तरीके से सॉस में मिक्स करें। अब इसको 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर कवर करके रखिए। चिकन शाशलिक हमारी रेडी हो गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें।